लोग उसके पास है। पिछले 2-3 वीडियो जो मैंने डाला उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप फुल वीडियो डालो और भी थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम का वीडियो डालो, लेकिन मैं थक चुका हूँ। बैक टू बैक 3 दिन में 3 वीडियो डाला, लेकिन 3 वीडियो में कुछ भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। आप लोग देख सकते हो बस इतना ही कुछ 90, 80, 190 इतना ही कुछ व्यू मिला। तो आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर करो वीडियो को अगर आप लोग को इसी तरह का हाईलाइट पसंद है। आप लोग शेयर करो वीडियो को, देन आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा अच्छा वीडियो भी लेकर आऊँगा एंड बस भर भी गेम प्ले आऊँगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, सभी का दिल से शुक्रिया वीडियो में क्लिक करने के लिए। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 100 लाइक। आई होप कि आप लोग ये 100 लाइक कंप्लीट करा दोगे एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे एंड इस वीडियो को वॉच कर लेना पूरा। आप लोग पूरा वॉच नहीं करते हो, वीडियो स्किप करके देख लेते हो, बट इस वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फनी वीडियो एंड बहुत ही अग्रेसिव गेम प्ले है भाई। तो यहाँ पे हम लोग उतर चुके हैं मिलिट्री बेस में, तो आगे का पार्ट आपको इंट्रो के बाद मिलेगा। मिलिट्री बेस में उतरने के बाद मेरे को C2 के ऊपर एक मिलता है मेरे को शॉटगन, और मैं नियत बंदे को दौड़ा दौड़ा के मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा बच के अंदर जाता है। लेकिन अंदर से आर्यन उसको पहल देता है, जो कि उसके लिए बहुत ही बुरा हो जाता है। हमारे लिए एक किल यहाँ पे मिल चुका है, तो हम लोग स्टार्ट कर दिया एक किल के साथ। और उसका जो बंदा है सेकेंड शिप में था, तो सॉरी सेकेंड शिप में नहीं, थर्ड शिप में था, तो हम लोग सोचे कि उसको चलो रस कर देते हैं। मेरे पास शॉटगन था तो मैं चला बाहुबली बनने के लिए, और मैं अपने टीममेट को बोला भाई घुसो भाई, सबको मारेंगे भाई, जब हमारे पास शॉटगन है सबको पहल देंगे। और भाई नंबर 2 के पास देखो भाई नियत्ता बंदा भाग रहा है पिस्टल लेके, तो यहाँ पे शॉटगन से एक बंदे को मैंने फटका दिया। देखो लेफ्ट हेडशॉट पड़ा फिर भी बंदा नहीं मरा, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे हेडशॉट पड़ने के बाद भी बंदे नहीं मरते हैं शॉटगन से। ग्लीच मतलब अखंड लेवल का ग्लीच चलता है BGMI में। तो यहाँ पे मैंने उसको तो ख़त्म कर दिया जैसे जैसे करके, और देखा कि C1 से बंदे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं भाई मारने के लिए। इधर देखो कैसे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं बंदे, C2 में घुस रहे हैं भाई, अंधा घुस रहे हैं भाई। क्या भाई तुमको मतलब इतना चौड़े क्या तुम मारने की? चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग घुस जाओ, हम लोग तुमको मारेंगे जैसे भी करके। तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा पुलिस स्टेशन लूटने के बाद थोड़ा बहुत लूट हो गया, और मैं चला श्राउड बनने के लिए, जो एक बॉर्ड को भी मार नहीं पाया। इतना मतलब देखो नो रिकल हैक जो है ना, वो हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और देखो अभी मैं नो रिकल स्प्रे मारूंगा, देखो गाइज हंसना मत कोई भाई, देखो मतलब क्या रिकॉइल कंट्रोल करता हूँ भाई, हैक भाई मतलब गॉड लेवल हैक यूज करता हूँ भाई। चलो यार यहाँ पे उसने मेरे को 1 HP कर दिया, तो चलो यहाँ पे मैंने 3 बंदे को जो बच गए थे हमारे इधर, 3 या 4 बंदे होंगे, मेरे को लगे 2 बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बंदे निकलेंगे। तो मैं उन लोगों को कैसे लेता हूँ आप लोग देखो, कारल में मेरे पास था 11 गोली, तो 11 गोली में से मेरे को लेना था उसको। उसको भी डैमेज दे रहा था पीछे नंबर 1, लेकिन पीछे नंबर 1 डैमेज से नॉक हो गया और मैं उसको मार दिया 11 गोली से। तो यहाँ से हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं, और आगे जो होगा ना गाइस, आप लोग को वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल आगे देखो क्या होने वाला है। पूरा मैच इंटेंस फाइट है भाई पूरा। और मिलिट्री बेस लूटने के बाद हम लोग चले नोवो, जैसे कि हम लोग मिलिट्री बेस लूटने के बाद हम लोग डायरेक्ट नोवो जाते हैं रस करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे नोवो, जैसे नोवो आसपास पहुँच जाएंगे गंदा रेंडर होगा, इतना गेम रेंडर होगा कि भाई ऑलमोस्ट 20 FPS शायद हम लोग को मिल रहा होगा उस टाइम। तो नंबर 1 भी बोला भाई बहुत लैग हो रहा है, तो आसपास बंदे शायद निकल रहे होंगे। तो देखो चलो हम लोग यहाँ पे चलते हैं 56 खिड़की के बिल्डिंग में, और यहाँ पे जैसे ही आ गए तो यहाँ से सामने को आ जाता है हमारे गाड़ी का साउंड, बहुत ज़्यादा रेंडर हो रहा है, गाड़ी निकल रहा है, गाड़ी रोकने का मार, उधर रुक जाओ तुम। और मेरे पास था 6 ग्रेनेड, तो मैं ग्रेनेड से लेने की उनको ट्राई किया, लेकिन उसी टाइम मेरा नंबर 1 नॉक हो जाता है। लेकिन मेरा सारा नेड सारा मतलब 6 में से 5 नेड वैसे वेस्ट हो जाता है, लेकिन एक ग्रेनेड से मैं एक बंदा को ले लेता हूँ। यहाँ पे जो इंटेंस फाइट है भाई आप लोग देख लो, आप लोगों से बात करता हूँ। क्लोज है नहीं, अब एक बंदा
नाइस। नोबो से आने के बाद हम लोग डायरेक्ट रश किया है शेल्टर में। शेल्टर में जैसे ही रश किया, शेल्टर में एक गाड़ी निकल रहा था और उसमें दो बंदे थे। हाँ, दो बंदे थे, तो हम दोनों ने उन दोनों को लेने की ट्राई किया, लेकिन एक बंदा हमारा नॉक हो जाता है, और जैसे नॉक हो जाता है मैं नेड खींचता हूँ एंड नेड से दो बंदे को बिल्कुल डाउन, एक बंदे को एम्फर से नॉक डालता हूँ, सेकेंड बंदे को नेड से ले लेता हूँ। यहाँ पे दो बंदे का किल मेरे को मिल जाता है, लेकिन उसी टाइम पीछे से भी रश आ जाता है। पीछे से एक बंदे ने हमारा नंबर टू को किल कन्फर्म कर लेता है, और मेरे को जितना लग रहा है ये शायद दो बंदे में से दो बंदे इनका थे और पीछे दो बंदे उनका थे, लेकिन पीछे दो बंदे थे। देखो मैं उनको कैसे लेता हूँ। नेट क्या, नेट क्या ऊपर में जा, नेट करा इधर ही है, क्लोज। बेचारा मेरे को बहुत डैमेज दिया था, और पता नहीं यार उसका जो एक बंदा था वो मेरे को पेन पता नहीं क्यों मार रहा था। और यहाँ से हम लोग निकल चुके थे स्कूल के ईयर, और स्कूल के ईयर जब रस किया हम लोगों ने तो देखा इस तरह का कुछ सीन। स्कूल से एक बंदा निकल रहा था बग्गी लेकर और जोन का हल्का सा डैमेज लेकर, लेकिन मैंने उसको स्प्रे मार के नॉक डाल दिया और उसका किल भी कन्फर्म कर दिया हमारा नंबर वन ने मिनी फटिन से। और पीछे से उसका एक शायद उसका दोस्त था और पीछे से आ गया गाड़ी लेकर, और उसका फुटस्टेप मतलब उसका गाड़ी का साउंड मेरे को आ गया था, तो मैंने बोला कि भाई पीछे बंदा है। और यहाँ पे दो बंदे निकले, एक बंदे को मैंने डाउन करने की ट्राई किया लेकिन आर्यन ने उसको मार दिया, और लेफ्ट साइड भी एक बंदा था। मतलब ये दो बंदे निकल रहे थे, शायद मेरे को टोटल तीन थे। स्कूल से राइट से बग्गी लेकर एक बंदा निकला और यहाँ से दो बंदे निकले, और इसी तरीके से इनको भी मार दिया। और मारने के बाद हम लोग फिर चले शेल्टर की ओर। भेज दो कितना है, 1,00,000। और इधर देखा तो पहाड़ के ऊपर ड्रॉप हुआ था, ड्रॉप लूटने के लिए एक बंदा आया था और लेट के स्प्रे दे रहा था, पता नहीं किससे लड़ रहा था। हम लोग यहाँ पे आ गए उसको थर्ड पार्टी करने के लिए, और उसको डैमेज थोड़ा हमारे बंदे ने दिया, बट यहाँ पे मैंने किल चोरी कर लिया। किल चोरी करने के बाद यहाँ पे उसका किल कंफर्म हुआ, तो चलो हम लोग ढूंढते हैं उसके वो बंदा किससे लड़ रहे थे या फिर इसका और एक बंदा है, तो चलो यहाँ पे तो वो सोलो लास्ट बंदा जो बता था उसको तो मार दिया हम लोगों ने, लेकिन ये जो घर है ना नीचे, यहाँ पे भी तीन बंदे थे। यहाँ पे टोटल 10 में से यहाँ पे तीन, हम तीन 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 छः और चार बंदे बचे थे, तो हमको ढूंढना था ये 10 में से 7 बंदे हमको ढूंढना था। लेकिन उसी टाइम भाई नीचे से बंदे का शायद कुछ निशान या तो फिर नंबर वन ने साथ स्पॉट कर लिया, तो हम चला उसको मारने के लिए हम लोग चले। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मैं यहाँ पे कैसे नेट करता हूँ। और हम लोग इधर से भी निकल गए, रस करने चले गए, और बच गए हमारे पास चार बंदे अपोनेंट, तो हम लोग उसको भी ढूंढने के लिए चले गए। हम लोग मिल्टा की ओर जाने के बाद जा रहे थे रोड पे, तो यहाँ पे पूरे के पूरे स्क्वाड का स्प्रे आता है, और यहाँ पे मेरा पड़ता है लेजर स्प्रे, और यहाँ पे मैं अगेन भी हगता हूँ भाई, यहाँ पे स्प्रे हक देता हूँ, एक गोली भी नीट कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे मेरे को नंबर वन ने फ्री फायर दे के मेरे को बचा लिया, हमारे टीममेट बहुत ही प्यारा यहाँ पे बैकअप दिया, और यहाँ पे मैं रिवाइव हो जाऊँगा। रिवाइव होने के बाद इनको जिस तरीके से पहलेंगे ना भाई, आप लोग देखना मजा आ जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे मिल चुके हमको WWCD यानी कि विनर विनर चिकन डिनर।
और गाइज आप लोगों को ये वाला वॉइस ओवर गेम प्ले, ये वाला हाइलाइट्स आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा लगेगा मैं आप लोगों का कमेंट नेक्स्ट वीडियो में पिक करूंगा, शाउट आउट भी शायद मैं देने की ट्राई करूंगा। तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगले एक शानदार एंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज आप लोग कीप स्माइलिंग एंड शेयर कर देना इस वीडियो को, लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।